ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आखिरकार ओप्पो ने अपना नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन F7 भारत में पेश कर दिया। लेकिन नॉच डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन की कैटेगरी में एक ऐसा फोन भी है जिसका आप काफी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ASUS Zenfone 5 की। इस फोन के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अब सवाल उठता है कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल ओप्पो F7 को खरीदा जाए या फिर ASUS Zenfone 5 की वेट की जाए। तो चलिए आज देखते हैं इन दोनों फोन्स का एक स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन ओवरव्यू। अब हमेशा की तरह सबसे पहले इनके डिजाइन और डिस्प्ले की बात की जाए तो ASUS Zenfone 5 और ओप्पो F7 इन दोनों की बैक साइड पर आपको ग्लास मिलेगा। हालांकि इनमें फिंगरप्रिंट के स्मजेस बहुत जल्दी लगते हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी चमकदार हैं और आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेंगे। पर यहाँ पर ASUS के पास एक एडवांटेज है कि उसका जो फ्रेम है वो मेटल का है, जबकि ओप्पो F7 का फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का है। पर यहाँ पर ओप्पो के पास भी एक एडवांटेज है कि उसमें आपको बहुत अच्छे कलर ऑप्शन मिलते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको एक अच्छे कलर वाला फ़ोन चाहिए या फिर थोड़ा सॉलिड फ़ोन चाहिए। पर इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही लगभग एक समान है, क्योंकि दोनों में आपको 6.2 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है और दोनों में ही नॉच दिया है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस लगभग एक समान रहेगा। पर अब इन दोनों में एक अलग अलग खूबी है, जैसे कि ASUS Zenfone 5 में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है तो ओप्पो F7 में दिया है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट। तो डिज़ाइन और डिस्प्ले को अगर हम टोटल देखेंगे तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है। हार्डवेयर वाइज ASUS Zenfone 5 में मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट, जबकि ओप्पो F7 में दिया है मीडियाटेक हीलियो P60 चिपसेट। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वालकॉम के प्रोसेसर जनरली ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं और साथ ही साथ उनकी ग्राफिक रेंडरिंग पावर भी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन मीडियाटेक ने इस बार इस चिपसेट को नया निकाला है, जो कि बेंचमार्क टेस्टिंग के टाइम पर स्नैपड्रैगन 660 के बराबर कहा गया है। साथ साथ दोनों ही फोन्स में आपको 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिनको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको बता दूँ कि बैटरी वाइज दोनों फ़ोन आपको लगभग एक समान बैटरी बैकअप दे सकते हैं, क्योंकि ASUS Zenfone 5 में आपको मिलती है 3300mAh की बैटरी, जबकि ओप्पो F7 में दी है 3400mAh की बैटरी। अब हम कैमरा सेक्शन पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऑन पेपर देखेंगे तो ASUS Zenfone 5 में आपको मिलता है 12 MP प्लस 8 MP का डुअल रेड सेंसर, जबकि ओप्पो F7 में दिया है 16 MP का सिंगल सेंसर। दोनों ही फोन्स के रियर कैमराज में आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है, लेकिन यहाँ पर ASUS के पास एडवांटेज है कि उसका एक सेंसर जो है वो वाइड एंगल फोटोज़ क्लिक करता है। पर जब बात आएगी फ्रंट कैमरा की तो ओप्पो F7 ही आगे माना जाएगा, क्योंकि उसमें आपको 25 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जबकि ASUS Zenfone 5 में दिया है सिर्फ 8 MP का फ्रंट सेंसर। सॉफ्टवेयर वाइज देखा जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से दोनों ही फोन्स लगभग एक समान ठहरते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो। लेकिन हाँ, इन दोनों का UI एकदम अलग है। जहाँ ASUS Zenfone 5 में आपको मिलता है Zen UI 5.0, तो वहीं ओप्पो F7 में आपको मिलेगा कलर OS 5.0। तो UI वाइज आपकी क्या चॉइस है ये आप पे डिपेंड करता है। अब अंत में वर्डिक्ट देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ASUS Zenfone 5 ओप्पो F7 से थोड़े से मार्जिन से ही सही लेकिन बेटर है। पर हाँ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ASUS Zenfone 5 के लिए वेट करना चाहते हैं या फिर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। क्योंकि अगर हम प्रोसेसर देखेंगे तो माना कि उस केस में ओप्पो F7 थोड़ा एवरेज है, लेकिन डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी के मामले में ये फ़ोन कहीं भी कम नहीं ठहरता। पर एनीवे, ये तो थी मेरी राय इन दोनों फोन्स को लेके। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के साथ आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको हमारे वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई आईडी पर जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।